हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको सिंगिंग में करियर बनाना है, आपको सिंगर बनना है, तो क्या क्या चीज़ आपको खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको परहेज़ करना चाहिए और जो गले के लिए आपके अच्छा नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज़ हो गया ठंडा। अगर कुछ भी ठंडा चीज़ है तो आप थोड़ा उसको परहेज़ करो, क्योंकि जो आपने ठंडा लिया, मतलब ठंडा पानी पिया या फिर आपने आइसक्रीम खाया, तो उससे क्या होता है, गले में थोड़ा सा खराश हो जाता है, जो कि बाद में धीरे धीरे करके अगर आप उसको रेगुलर लोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और जैसे आप फ्रिज का पानी पीते हो, रेगुलर ठंडा पानी पीते हो, तो आपको ज़ुकाम का भी प्रॉब्लम होता रहेगा। अगर आपको ज़ुकाम है तो आपका हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो जो होता है कफ से ढक जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम होता है और यहाँ पर हमेशा कफ जमा रहता है, तो आपको गाने में भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप थोड़ा कंट्रोल करो ठंडे से। अगर आपको पानी पीना भी है तो थोड़ा गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसको आप आसानी से पी सकते हो। तो पहली चीज़ हो गई जो हमारे ठंडी चीज़ें हो गई, आइसक्रीम और ठंडा पानी हो गया। उसके बाद हो गया हमारा खट्टी चीज़ें, मतलब नींबू खाना, इमली खाना या फिर पानी पूरी खाना, ओके, तो चाट खाना। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करेंगे। अगर आपको खाना भी है तो वीकली एक या दो बार खा सकते हो, ज़्यादा इसको नहीं खाएंगे अगर आप रियाज़ कर रहे हो, अगर आप सिंगिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो, ओके। और जो नेक्स्ट चीज़ हो गया वो हो गया सिगरेट और अल्कोहल, ओके। तो इन सब से आपको बहुत बहुत दूर रहना है। सिगरेट आपको मालूम है कि इससे कैंसर हो सकता है, ओके। तो सिगरेट अगर आप ज़्यादा पीते हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो वोकल कॉर्ड हो गया, फेफड़ा हो गया, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होता जाता है। तो अगर आपका फेफड़ा कमज़ोर हो गया तो क्या होगा कि आपको अगर हाई नोट्स में कुछ गाना है तो आप नहीं गा पाओगे, उतना फोर्स नहीं लगा पाओगे कभी। और फिर अगर कोई लंबा सॉन्ग है, मतलब लंबा लाइन का सॉन्ग है जो कि लंबे नोट तक जाता है, लंबे खींचना पड़ता है उसको, तो उसको भी आप नहीं ले पाओगे। थोड़े दूर के जाने के बाद आपका जो सांस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप फिर नहीं कर पाओगे, यही प्रॉब्लम है सारी। तो सिगरेट से हमें कोसों दूर रहना है, ओके। और पहला चीज़ तो कैंसर तो होता ही होता है, बट दूसरा क्या है कि अगर आप वोकल पे हो, अगर आप सिंगर बनना चाह रहे हो, सिंगर हो, तो आपको दूसरा प्रॉब्लम भी ये होगा। और फिर क्या है कि अल्कोहल भी ऐसा ही होता है, अल्कोहल भी आपके गले को इफ़ेक्ट करता है, ओके। तो इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है, अल्कोहल और सिगरेट से। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे हमें दूर रहना है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि हम लोग क्या क्या खा सकते हैं, तो जो पहला चीज़ है कि आप अदरक ले लो, अदरक को थोड़ा कूट करके उसके साथ में थोड़ा सा आप हनी मिला दो, हनी को मिला करके आप मॉर्निंग में उसे थोड़ा सा ले सकते हो, ओके। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जब भी आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो क्या है कि साथ में क्या है, थोड़ा सा उसको मुँह में ले लिए और उसका जो रस निकल रहा है उसको धीरे धीरे करके हम लोग अंदर लेते जाएंगे, तो वो वोकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए हमारे अंदर जाता है और जो भी हमारे जैसे चिकनाई हो गया या फिर कफ हो गया, ऑयली चीज़ हो गया, तो ये जो पूरा गला है हमारा, ये हमारा साफ़ हो जाता है उससे। उसके बाद हो गया लौंग हो गया, या फिर आपके पास काली मिर्च है तो वो करके आप कहीं पे भी जा रहे हो जल्दी में, तो आप दो मुंह में रख लिए, उसके बाद फिर आपका वो घंटों तक चलेगा, वो धीरे 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 करके आपका अंदर जाता जाएगा और आपका जो वोकल कॉर्ड है वो धीरे धीरे करके साफ़ होता जाएगा। तो आप भी गौर करोगे कि आप एक काली मिर्च ले लो या फिर अदरक मुँह में रख लो, तो थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद आप देखोगे आप जो भी बोलोगे तो आपका जो थोड़ा फ्रेश लगेगा, आपका गला थोड़ा फ्रेश लगेगा, तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। इसके अलावा आपके जो नॉर्मल चीज़ें हैं डेली रूटीन की, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। और अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज भी खा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें मत खाओ, क्योंकि मसालेदार खाने के बाद भी आपको मालूम चलेगा कि आपका गला में आपको थोड़ा खराश हो रहा है, अब बार बार क्या कि कफ जैसा कुछ कुछ आ रहा है, ओके। ऑयली चीज़ों के साथ भी वैसा प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा वो नहीं खाना, थोड़ा सा उसको परहेज़ करना है, ओके। और ये सारी चीज़ें थी खाने के लिए और नहीं खाने के लिए। तो बाकी आप कुछ भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने अरिजीत सिंह जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, बस आपको क्या है कि गले को प्रिपेयर करना है, डेली आपको रियाज़ करना है। अगर आप एक मैराथन पर जा रहे हो, समझ लो कि आपको 10 किलोमीटर मैराथन पर जाना है, तो आप क्या करोगे, आप पैरों को सहला के रखोगे कि हाँ मुझे मैराथन जाना है, मुझे पैरों को अच्छे से रखना है,
ओके तो क्या आप उस दिन 10 किलोमीटर दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। ओके तो सीधी सी बात है, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली 20 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो जिस दिन मैराथन है उस दिन अगर आप थोड़ा आपका तबीयत भी खराब है, आपको थोड़ा पैर में भी प्रॉब्लम, फिर भी क्या है कि 10 किलोमीटर तो आप दौड़ ही सकते, आराम से निकाल लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सेम चीज़ होता है सिंगिंग के साथ में कि अगर आप डेली रियाज करो, डेली 2-3 घंटे रियाज करो और आपका शो आ गया, शो है आपका 2 घंटे आपको गाना है, क्योंकि कोई भी शो उठा लो, शो में आपको मिनिमम 2 घंटे गाना ही गाना है। मैं भी जो शो करने जाता हूँ उसमें क्या होता है कि मिनिमम 2-3 आवर्स का शो रहता है, उसमें आपको उतने देर गाना पड़ता है। ओके और भी कोई भी बड़े बड़े सिंगर्स को देख लो आप, जैसे अरिजीत हो गया या फिर आतिफ असलम हो गया, सोनू निगम हो गया, उनके किसी भी जो भी उनके शोज होते हैं उनको आप देखो तो वो लगातार 3-3 घंटे तक गाते रहते हैं। ओके तो वो कैसे बिल्ड होता है, अगर आप डेली रियाज करो, 2-3 घंटे रियाज करो तो ये बिल्ड होता है, और ये सालों की मेहनत होती है, 1-2 महीने से कुछ भी नहीं होता, आपको सालों तक मेहनत करना पड़ेगा। 1-2 साल तक आपने 2-3 घंटे मेहनत किया तो आपका क्या कि गला धीरे धीरे करके आपका स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आप जिम जाते हो, जिम में क्या होता है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो मसल होता है, मसल आपका बिल्ड होता जाता है, उस वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो सेम ऐसा ही हमारे वोकल कॉर्ड के साथ होता है कि आप डेली रियाज करो, उससे क्या होता है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर आप कितनी देर भी गा सकते हो, 2 घंटे भी गाओगे तो भी आपका गला फंसेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है। और मैं दूसरी चीज़ें एक चीज़ और बता देता हूँ कि रियाज करने से क्या होता है कि जैसे दो वोकल्स हो गए, दो वॉइसेस हो गए, एक सिंगर के और एक नॉन सिंगर के, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिंगर का जो वॉइस होता है वो शार्प होता है, ओके क्लीन वॉइस निकलता है, ओके और जो दूसरा जो नॉन सिंगर का वॉइस होता है वो थोड़ा सा फंसा और थोड़ा लो रेंज का निकलता है। जैसे जब वो गा रहा था साथ में बहुत सारे नॉइज भी आते हैं, जैसे अच्छा क्वालिटी का स्पीकर हो गया और ख़राब क्वालिटी का स्पीकर हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो अच्छा क्वालिटी का स्पीकर होता है जो 10,000 से ऊपर का होता है तो उसको आप देखो पूरा क्लीन साउंड आएगा, और जो कम प्राइस का जो स्पीकर्स होते हैं उनमें आप देखोगे पूरा थोड़ा नॉइजी साउंड आता है। तो वही होता है गले के साथ भी, जो सिंगर का वॉइस होता है वो क्लीन होता है। तो जैसा आप पेंसिल को एक एग्जांपल ले लो, पेंसिल को जब हम शार्प कर देते हैं, उसे जब छील देते हैं तो क्या होता है, जब उससे लिखते हैं हम तो पूरा एकदम शार्प जो लिखाई आता है उसका, बट अगर हम लोग जो थोड़े घिस जाते हैं उनसे आप लिखो तो थोड़े मोटे मोटे लिखे हुए आते हैं, ओके तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वो। तो क्या हो गया, जो अच्छे से छिला हुआ जो पेंसिल होता है, शार्प किया हुआ पेंसिल होता है, उसे पूरा शार्प एकदम जो भी लिखावट होती है वो होती है। तो सेम वैसा ही होता है, जो भी सिंगर्स होते हैं उनके जो वॉइस होते हैं वो स्टूडियो क्वालिटी के होते हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनमें, जैसे कि इको हो गया, रिवर्ब हो गया, ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से बस इफेक्ट डाल दिए हो गया। बट अगर वो नॉन सिंगर है तो उसमें बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, जैसे हो गया इको हो गया, डिले हो गया, रिवर्ब हो गया, कंप्रेसर हो गया, लिमिटर हो गया, एक्साइटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है कि उस पर डालनी पड़ती है और फिर ऑटो ट्यून करना पड़ता है उसे, तब जा करके जो उसका वॉइस होता है वो थोड़ा ठीक आता है। तो यही डिफरेंस होता है सिंगर और नॉन सिंगर में। तो आपने किसी रियलिटी शो में अगर वो ऑडिशन चल रहा है उसमें आपने सुना होगा कि कोई भी ऑडिशन देने के लिए आया तो जज बोलते कि हाँ इसका जो वॉइस है वो स्टूडियो क्वालिटी का वॉइस, स्टूडियो क्वालिटी का वॉइस है, मतलब क्या हुआ कि उसका जो वॉइस होता है वो शार्प होता, पूरा एकदम क्लीन वॉइस निकलता, और वो तभी निकलेगा जब आपका जो वोकल कॉर्ड है वो एकदम क्लीन हो। तो आपका जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्लीन होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, आपका रियाज के साथ बनेगा, और ये जो सिगरेट हो गया, ठंडी चीज़ हो गया, उनसे थोड़ा सा परहेज करो तो आपका जो वोकल कॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद एक और टिप्स है कि मतलब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको गला थोड़ा फंसा जैसा लग रहा है तो आप एक थोड़ा गुनगुना पानी लो, उसमें नमक डाल दो और उसके साथ आप गार्गलिंग कर लो, तो ऐसा 2-3 दिन करो तो उसके बाद भी आपको लगेगा, महसूस होगा कि हाँ जो मेरा गला है वो पूरा क्लीन हो गया और जो मेरा वॉइस आ रहा है, नॉर्मल बोलचाल की भी चीज़ें अगर हम लोग बोलते हैं तो आप देखोगे कि थोड़ा सा वो क्लीन निकल रहा है, जो आपका वोकल कॉर्ड है वो थोड़ा साफ़ हो गया, गला आपका साफ़ हो गया, ऐसा आपको लगेगा। तो थोड़ा सा अगर ऐसा आपको लग रहा है तो रियाज से पहले थोड़ा सा आप एक बार गार्गलिंग भी कर लो तो आपका जो वॉइस होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, किन सारी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो, अगर आपने एक ड्रीम रखा है कि हाँ मुझे एक प्लेबैक सिंगर बनना है या फिर एक क्लासिकल सिंगर बनना है या फिर गज़ल सिंगर बनना है, कोई भी सिंगर बनना है, तो उसके लिए क्या हो गया कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।